नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीए से रिलेटेड। हालांकि टॉपिक वीए का बाकी हर देश में लागू होता है, खास तौर से वीए पर लागू इसलिए होता है भाई, एक तो विजिट टू वर्क वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा वीए में और एजेंट सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं। लोगों की सोच भी ये होती है कि भाई दुबई में जाएं। तो हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक टॉपिक करेंगे वीए से रिलेटेड, एक टॉपिक इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे और वहां पे आपके साथ में क्या होता है और उसका समाधान किस तरह से आप कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए वीए में खास तौर से मॉल में अच्छी जॉब, कंस्ट्रक्शन के अलावा भी ये बता रहा हूँ, आजकल ज्यादा एक फंडा चल रहा है। मेरे पास एक बंदे की शिकायत आई थी कि कोई जैसे कंपनी बना लेते हैं, आप सबको पता है कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 7-8 हज़ार में रजिस्ट्रेशन लेके कंपनी बना के बैठ जाते हैं लोग। स्वयं वो एजेंट जो पहले हो सकता है वो पहले वहीं पे खुद मजदूरी कर रहे होते हैं वो कंपनी बना लेते हैं, या फिर वो खुद एजेंट होते हैं वो कंपनी बना लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिर अच्छे अच्छे एड लगाते हैं वहाँ के अखबार में या सोशल मीडिया पर, इंडिया से बंदे बुलाते हैं विजिट वीज़ा में, बंदा उनके पास पहुँच जाता है। जैसे ही बंदा पहुंचता है तो लगभग लाख रुपए करीब तो उनसे पहले ले लेते वीज़ा के नाम से इंडिया से। हालांकि वो बंदा इंडिया दुबई पहुंचता है तब उसकी आँख खुलती है कि भाई वीज़ा का पैसा तो लगता ही नहीं है, कंपनियां लगाती हैं ना, दुबई का तो रूल है ये, लेकिन फिर भी वो पहले पैसे इंडिया में दे चुके होते हैं तो हाथ उनके कट चुके होते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। पहले वो जैसे ही जाते हैं उनको, हाँ जी ये मॉल में है, आपको ये क्लीनर का काम करना है, ये काम करना है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने तनख्वाह देखी है 1300-1400 रुपये। कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या यही तनख्वाह होती है दुबई में, हद होती है यार, है ना। ये चक्कर चल जाता है, उसके बाद में उनके अग्रीमेंट करवाते हैं। सबसे बड़ी झोल यहीं से होता है भाई, जो लोग जा रहे हैं तो उनको भी सावधान रहनी चाहिए। दो प्रकार के अग्रीमेंट वो तैयार करके रखते हैं, एक दुबई लेबर लो जो एक नंबर का आता है, एक अपना लेबर लो जो खुद का 2 नंबर का अग्रीमेंट होता है। और बता दूं इस तरह के जो लेबर कैटेगरी के जॉब में जाते हैं उनको 80% लोगों को इंग्लिश का पता ही नहीं होता, 10-20% ऐसा होता है उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है लेकिन वो साइन जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, उनको नहीं पता होता है कि साइन कहाँ पे करवाएं। या फिर ऐसा होता है कि दुबई का जो अग्रीमेंट है वो ओरिजिनल होता है उस पर साइन करवा लेते हैं, नीचे अपना अग्रीमेंट लगा देते हैं उस पर साइन करवा लेते हैं, पता ही नहीं लगता बंदे को। अब नीचे एक नंबर अग्रीमेंट अगर दुबई लेबर लॉ है मोहरे के हिसाब से वो तो राइट है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो अग्रीमेंट बनाते हैं उसमें उनकी छुपी हुई शर्तें होती हैं और हरामीपन की शर्तें होती हैं। उनमें क्या लिखा होता है, आपको इतना काम करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आप अगर समय से पहले, समय उनका 2 साल का नहीं होता है, हालांकि 6 महीने बाद आप जॉब छोड़ सकते हो, वीज़ा का पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद ये वो लिखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले अगर आपने हमारी कंपनी छोड़ी है, आप यहाँ से जॉब से इस्तीफा दे के जाते हैं तो आपको वीज़ा का 7-8 हज़ार दराम जो भी वो लिखते हैं वो देना होगा, जबकि वीज़ा का लगभग 4,500-4,500 दराम के करीब खर्चा आता है, लाख रुपये करीब 5,000 मान लो, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन वो लिखवा लेते हैं। फिर बंदे को टॉर्चर करना, परेशान करना, टाइम पे तनख्वाह नहीं देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ज़्यादा काम करवाना, फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो धमकी देने लग जाते हैं, ये देख तेरा अग्रीमेंट तूने साइन किया है ना इसके ऊपर कि अगर मैं 4 साल पहले जॉब छोड़ूंगा 3 साल पहले छोड़ूंगा तो वीज़ा का पूरा पैसा दूंगा, कोई बात नहीं हम आपको कैंसिल कर देते हैं, वीज़ा का पैसा दे दो। ऑफिशियल मेल पे, लोगों की मेल पे ये धमकी भरे लोग यहाँ पे जो वो काम करने वाले नहीं है, वो रियल में तो उनका शोषण करते हैं, वो दलाल ही होते हैं, उनकी सैलरी कट कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, उनसे धमकी देना, पुलिस केस की धमकी देना, चोरी का केस लगवा देंगे, समय पे तनख्वाह नहीं देना, दबा के रखना या सैलरी कम देना या काम ज़्यादा लेना, इस तरह से प्रॉब्लम आती है, आप सबको पता ही होगा। ये तो हो गई उनकी बात, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है वो सुन लीजिए जी। दुबई लेबर लॉ के अनुसार आपकी ड्यूटी 8 घंटे होती है, 9 घंटे होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तनख्वाह जो मेन अग्रीमेंट होता है वही आपके पास होना चाहिए, वो आपको रखिए। अगर कोई 6 महीने बाद में ये धमकी देना, ये छोटे मोटे जो कंपनी के जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मालिक हैं, वो मालिक नहीं है दरअसल, बता दूं वो कीड़े हैं, समझ गए बात को, वो आपका खून चूसते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। उनका इलाज करना दुबई में बहुत आसानी से हो सकता है, एविडेंस आपके पास होना चाहिए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और आप अपनी जगह सही हो तो आप लीगल एक्शन लें उनके खिलाफ में तुरंत प्रभाव से, वो हाथ खड़े करके आपके पास नहीं आ जाएं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना आप, मैं बता दूंगा। कानूनी डंडा इस तरह से चढ़ेगा उनके पीछेवाड़े में कि वो आराम से हाथ सीधे करके आपसे माफ़ी मांगते हुए बोलेंगे तू जा इंडिया, तू जाना चाहता है तो। दुबई का लेबर लॉ इतना सख्त है कि आप सोच नहीं सकते, आपको सबको पता होना चाहिए, वर्कर द फर्स्ट, उसके बाद में मालिक आता है, समझ गए बात को। दुबई लेबर लॉ के हिसाब से चलता है तब तक सही है, लेबर लॉ के हिसाब से थोड़ा सा भी साइड होकर आप लोगों को परेशान कोई करता है तो उसकी भी फिर खैर नहीं होती, उसकी कंपनी भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और वो खुद ब्लैकलिस्ट होकर अपने अपने देश इंडिया का तो इंडिया ही आ जाएगा, यही मजदूरी करेगा फिर, वो वहां तो मालिक होगा लेकिन यहां उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, वो मजदूरी कैसे करनी पड़ेगी वो मैं बता दूंगा आपको, ये अंदर की बातें, समझ गए
रहे बात को, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल भी। अब मेरे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, बोला सर वो हम अगर बोलते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है, लेबर कैटेगरी के मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी, गरीब घरों के बच्चे दुबई में जाते हैं, आप लोग उनको डरा के धमका के शोषण करते हैं, ये अच्छी बात है क्या? शेर को सवा शेर मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। आपकी वाट इतनी इजीली लगेगी दुबई में कि आप सोच नहीं सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा आपके साथ क्या हुआ। सीधी पुलिस आएगी, हथकड़ी डाल के लेके जाएगी, आप कंपनी के मालिक बन के बैठे हो ना, 7-8-10 हज़ार में रजिस्ट्रेशन करा के किराए का मकान लेकर वहाँ पे ड्रोन बने घूम रहे हो, वो गलत है, वो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों को, और जो भाई इस तरह की आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको फ्री में पूरी एडवाइस दूंगा आपको करना क्या है, लेकिन आपको फ्रंट लाइन पर आना होगा। पिछवा आपको पर्दे के पीछे कोई नहीं देखेगा आपको, समझ के फ्रंट लाइन पे आके उनका सामना करिए। आप अपनी जगह सही हो, पैसे देके आप काम कर रहे हो, फोकट में आपसे कोई नहीं करवाता है, अगर तनख्वाह देता है ना तो काम करते हो आप 15 दराम घंटे का काम करते हो तब जाके आपको 7-8 रुपये घंटे के मिलते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सामना करिए। आप अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप वीडियो बना के मेरे साथ शेयर कीजिए, आपकी कंपनी के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो भाई कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, यूं ही आप दबे रहोगे, शोषण होता रहेगा और आपको वो ऐसी की तैसी आपकी करती रहेंगे। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।